फ्रेंड्स है कैसे आप सब लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो है ये 2.1 होम थिएटर को अपने 12 इंच के सबवूफर के साथ टेस्ट करने वाले। तो फ्रेंड्स ये सबवूफर जो है मैंने अपने 12 इंच के बेस ट्यूब से निकाला हुआ है ताकि मैं जो है इसको अपने एम्पलीफायर्स वगैरह के साथ टेस्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको 12 इंच के सबवूफर को 2.1 के साथ टेस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है 8 या 12 इंच का सबवूफर ले आएंगे 2.1 के लिए तो उससे ज़्यादा बेस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसमें जितना पावर है ये आपको उतना ही बेस दे पाएगा भले ही आप उसमें कितना ही बड़ा ड्राइवर लगा लें। तो फ्रेंड्स ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप लोग कितना ही बड़ा मोटर ले आओ, अगर आप लोगों के पास बैटरी छोटा है तो वो धीरे ही चलेगा, ऐसा ही काम है इसमें। तो इसमें जो है आप लोग 12 इंच का नहीं लगा सकते, लेकिन जो है मैं आप लोगों को सिर्फ एक टेस्ट के दौर पे यहाँ पे दिखा दूंगा कि 12 इंच का जो है कैसा परफॉर्मेंस रहता है या ये लोड उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ये 2.1 होम थिएटर है इसमें 5 या 6 इंच से ज़्यादा कहाँ चलेगा, तो आज जो है हम इसमें 12 इंच को टेस्ट करके देखने वाले, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है या फिर क्या इसका आउटपुट रहता है। और फ्रेंड्स मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा है कि अगर ये अपने होम थिएटर का बोर्ड वगैरह उड़ भी गया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको खुद से रिपेयर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है इसको घर पे टेस्ट मत कीजिए क्योंकि इसका जो है फ्रेंड्स कई सारा उसका पैरामीटर रहता है कि आप लोगों का बोर्ड ज्यादा हीट करने लग जाएगा अगर आप ज्यादा सबवूफर लगा देंगे, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम जो है इसको 5 या 10 मिनट के लिए मुश्किल से इसको टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वही मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स ये सबवूफर मैंने अपने बेस ट्यूब से कैसे निकाला तो उसका वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छा वीडियो बना था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सबवूफर अपना 12 इंच का है जो कि बेस ट्यूब से मैंने निकाला है, ठीक है। वो इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला था और यहाँ पे अपन को ऑरेंज कलर का बास्केट मिल जाता है, काफी अच्छा क्वालिटी का ये अपना सबवूफर है और काफी हैवी भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसका पंच वगैरह भी काफी अच्छा आ रहा था, टीपीए के साथ मैंने टेस्ट किया था। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये होम थिएटर को मैं पीछे से दिखा देता हूं आप लोगों को। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ये होम थिएटर के, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे आप जानते होंगे ये इस होम थिएटर से मैंने जो है ये एक वायर को निकाला हुआ था जिससे कि हमको जो है सबवूफर का कनेक्शन मिल जाता है पैरेलल में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स टेस्ट के टाइम क्या होने वाला है। तो इसके अंदर एक 4 इंच का सबवूफर ऑलरेडी फिटेड है, ठीक है, वो कंपनी वाला ही सबवूफर है, ठीक है। तो उसके साथ जो है हमने क्या किया है यहाँ पे पैरेलल में एक ये वायर निकाला है सबवूफर का, तो यहाँ से भी हमको जो है बेस का मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। तो वैसे ही अपन इसको टेस्ट करने वाले हैं, इसका जो सबवूफर का वायर है हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसका रेड वाला ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेस्ट के टाइम क्या होगा कि इसका अंदर का सबवूफर भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों पैरेलल में रहेंगे तो बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हीट करेगा, लेकिन आप लोग जो है उसको मतलब कुछ टाइम 5-10 मिनट के लिए चलाएंगे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है उसमें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अपने सबवूफर का वायर है, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा एक 3 वोल्ट का बैटरी लिया, फ्रेंड्स मैंने 3 वोल्ट का बैटरी लिया है। अभी हम लोग जो है सबवूफर को देखेंगे कि उसका पंच ऊपर आता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करके देख रहा हूँ ये ब्लैक वाला जो जिसमें टेप लगा हुआ है थोड़ा सा उसमें नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स वो जो है उसका कोन जो है नीचे के साइड दब रहा है, तो ये जो है अपना कनेक्शन उल्टा था अभी। तो ये जिसमें ब्लैक टेप लगा हुआ है उसमें मैं पॉजिटिव लगा के देखता हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे अभी, देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने ये ब्लैक में जब मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ तो उसका पंच ऊपर आ रहा है, मतलब ये जो है अपना पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी टेस्ट कर सकते हैं सबवूफर का, और इससे ये होता है फ्रेंड्स अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी कुछ भी उल्टा उल्टा लगा देंगे तो उससे जो है आप लोगों का बेस अच्छा नहीं बनेगा, बेस दबने लग जाएगा और आप लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया इसके और ये अपना नेगेटिव है यहाँ पर। और फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 2-2 वायर लगा हुआ है एक ही की साइड में, तो वो रीज़न ये है फ्रेंड्स क्योंकि ये सबवूफर थोड़ा हैवी है, तो अगर मतलब अगर ये कभी रिपेयर होने गया होगा इसको, तो मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया था तो वो रिपेयरिंग वाले ने शायद 2-2 वायर लगा दिया है ताकि ये सबवूफर अच्छा अपना फुल आउटपुट पे चल सके करके, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 वायर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डुअल कॉइल वाला है, ये सिंगल कॉइल वाला ही है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स हमने और यहाँ पे हम ऑक्स कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने सबवूफर तो कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो है हम इसको इनपुट दे देते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं ये ऑक्स केबल से, तो इसको अभी मैं बाद में मोबाइल में कनेक्ट करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं एक और स्पीकर को कनेक्ट कर देता हूँ, ये अपने पास यही होम थिएटर का ओरिजिनल स्पीकर है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे इसको फिलहाल उल्टा ही कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम तो अपन मोबाइल से भी कनेक्ट कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि इसके होम थिएटर के आगे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पीछे से ही पूरा टेस्टिंग इसका दिखा दूंगा और ये सब फुल है अपना, और वॉल्यूम का मैं आगे से फुल कर देता हूँ, मोबाइल से अपन इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अपना यहाँ पे सारा कनेक्शन हो चुका है, आप लोग इसका वायर्स वगैरह भी देख सकते हैं, ये डायरेक्ट जाकर के वहीं पे कनेक्ट हुआ है और ये जो है अपना ये कनेक्टर थोड़ा सा लूज है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं जैसे ही ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं थोड़ा सा जो है ये कनेक्टर लूज है तो उसके चक्कर में दिक्कत होता है थोड़ा। तो अभी हम यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी अपने पास ये NCS का सॉन्ग है और ये मोबाइल को मैं नीचे कर दूंगा क्योंकि ये सबवूफर को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है यहाँ पे जंप करेगा अभी क्योंकि बड़ा साइज है और इसमें बेस आएगा तो थोड़ा हिलने लग जाएगा टेबल। तो इसको अभी अपन सेट कर लेते हैं, पहले सॉन्ग को मैं प्ले कर लेता हूँ कम आवाज़ में, देख सकते हैं ये आवाज़ आ रहा है स्पीकर में अपना और उसमें बेस आ रहा है हल्का हल्का। अभी मैं इसको पकड़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को,
तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा इसमें काफ़ी अच्छा बेस आ रहा था और मेरे को भी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा इसमें जंप आएगा। मैं सोच रहा था कि हल्का हल्का सिर्फ ऐसी मतलब आसपास ही होगा, लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा इसमें जंप वगैरह आ रहा है और ओवरऑल जो है स्पीकर मतलब ये अपना सबवूफर का जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है छोटे एम्पलीफायर में भी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये मुश्किल से 10 या 15-20 वाट मैक्सिमम दे रहा होगा, ठीक है, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों ने देखा अभी। अभी जो है मैं इसमें यही सॉन्ग को फिर से थोड़ा और आगे प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ इसमें से स्पीकर को डिसकनेक्ट कर देता हूँ, एक बार सिर्फ अपन इसका बेस चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, यहाँ तक जो है इसका ये फ्रंट वाला भी खुल गया है, इतना मतलब वाइब्रेशन हो रहा था इसमें तो उस वजह से उसका फ्रंट वाला खुल गया। वैसे वो थोड़ा सा लूज था, ठीक है, तो उसके वजह से वो खुला हुआ। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है इसमें बेस रिस्पांस आप लोग मिल रहा है। आप लोगों के पास अगर होगा 12 इंच का बेस ट्यूब खाली पड़ा होगा और आपके पास कोई होम थिएटर होगा, आप लोग उस 4.1 में कनेक्ट कीजिए, 5.1 किसी को भी आराम से उसमें जो है चल जाएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेस रिस्पांस मिल जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो है ओवरऑल बेस एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग जो है डायरेक्ट इसको होम थिएटर में लगाएंगे तो। आप लोग पैरेलल भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, दिक्कत वैसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अगर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बेस का IC उड़ेगा और उसको भी आप लोग फ्रेंड्स उसको बचा सकते हैं अगर आप लोग इसको एकदम लंबे समय तक इसको ना चलाएंगे। और इसका जो हीटिंग अगर आप लोग कंट्रोल कर लेंगे तो IC उड़ने का भी कोई चांस नहीं है। वैसे हीटिंग वैसे IC उड़ने का भी चांस बिल्कुल कम है, वो रेयर केस में ही उड़ पाएगा, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं उड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे इसका बेस रिस्पॉन्स आ रहा था, मैंने सोचा भी 1.1 होम थिएटर से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस सबवूफर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, हम ऐसे ही सबवूफर एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और कई बार जो है सबवूफर का गिव अवे भी लाते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग जो है अपने सजेशंस जो है कमेंट में दे सकते हैं कि किस एम्पलीफायर के साथ इसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।